नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की बागडोर अपने हाथों में रखने वाली मायावती अब अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद के कंधों में डालती दिखाई दे रही है। उन्होंने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का उत्तरदायित्व आकाश को सौंपा है। इसके साथ ही वो भतीजे को आगे बढ़ाने में भी जुट गई है। मायावती अपनी सेकंड लाइन की लीडरशिप को धीरे धीरे तैयार कर रही हैं। इन राज्यों की सफलता और असफलता आकाश आनंद के भविष्य का निर्धारण करेगी। क्या है मायावती का पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा में मिल रही असफलता के बाद मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पार्टी में अहम पद दिए हैं, उन्हें चुनावी राज्यों में प्रभारी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने हाल के वक्त में आंदोलन, धरना प्रदर्शन और पद यात्राओं से लगभग दूरी बना ली है। पार्टी अब भतीजे को ठीक से लॉन्च करने के लिए पद यात्राओं का सहारा ले रही है। इससे भतीजे की इमेज ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, उनके समाज में भी एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल आकाश आनंद ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3,500 किलोमीटर की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को बहुजन अधिकार यात्रा भी नाम दिया गया है। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। यात्रा प्रदेश के करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। सियासी जानकारों के मुताबिक यात्रा के दौरान दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की राजनीति के तहत बसपा काम करेगी। यात्रा की शुरुआत के मौके पर धौलपुर में आकाश आनंद ने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प के साथ बसपा प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बसपा का संकल्प होगा कि सत्ता में आने पर सभी वर्गों का भला हो, पीड़ितों, दलितों और शोषितों को राहत मिले। बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि आनंद को बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें चुनौती भी है लेकिन सीखने का खुला मैदान है। वो अपनी बुआ की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लागू कर रहे हैं। यूथ उनसे जुड़ेगा, उनके साथ कई अनुभवी नेता भी लगे हैं जो समय समय पर उन्हें आगे बढ़ने का ज्ञान देते रहेंगे। उन्होंने कहा, इन सभी राज्यों में चुनौती तो है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। एक प्रकार से बसपा की मायावती के बाद की पौध को नौजवानों के साथ आनंद ही तैयार कर रहे हैं। हाल ही में उनको राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का जिम्मा सौंपा गया। उनके साथ दो भरोसेमंद नेताओं अशोक सिद्धार्थ और रामजी गौतम को लगाया गया। इस बीच मध्य प्रदेश में आकाश काफी सक्रिय रहे। उन्होंने आदिवासी दिवस पर राजभवन तक मार्च किया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर आकाश आनंद ने बयान दिया, वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। आकाश आनंद मायावती की दूसरी आवाज होंगे। मायावती अपनी सेकंड लीडरशिप तैयार कर रही हैं। वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी आकाश को दे दे तो इसमें ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। अगर इतना बढ़ाने के बाद भी आकाश अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं लाते तो पार्टी का और ज्यादा डाउनफॉल शुरू हो जाए। आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने लंदन के एक बड़े कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की है। बसपा प्रमुख मायावती ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद सहारनपुर की रैली में आकाश को लॉन्च किया था। उन्होंने अपने काजर के बीच संदेश भी दिया था। इंटरनेट मीडिया पर मजबूत हुई बसपा की पकड़ के पीछे आकाश आनंद का ही हाथ माना जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।